ये मुद्दा नहीं ना, मुद्दा तो था सीट शेयरिंग का, मुद्दा था कि नेता कौन होगा, उस पर क्या चर्चा हुई? आखिर क्या देश की जनता नहीं जानना चाहेगी कि नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी कौन होंगे नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाले? तो न तो नेता के बारे में कोई चर्चा हुई, न ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कोई सहमति बनी, न तो नहीं कोई कन्वेनर तय हुआ, नहीं ये एजेंडे के लिए कोई कमेटी बनी, नहीं कोऑर्डिनेशन के लिए कोई कमेटी बनी। इतना ही था कि अगला डेट एक तय हो गया कि फिर जुलाई के अंदर मिलेंगे, तो इतना ही तो हुआ। इस बैठक में से तो निकला क्या? ये बैठक तो टैंट फिस हो गई, इसमें से तो कुछ नहीं निकला जो है। लेकिन उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग एक साथ हैं और हम सीट शेयरिंग का भी कर लेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, पहली बैठक हुई है और पहली बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ मिलकर लड़ेंगे ये तो पहले से बाहर भी बोल रहे हैं, लेकिन सवाल तो कि यूपी के अंदर क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीट छोड़ेंगे, सवाल तो ये है ना। देखिए जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी विपक्षी एकता का मतलब यह है कि हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमारी मदद करे, यानी बंगाल में कांग्रेस चुनाव न लड़े वो हमारी मदद करे, यूपी के अंदर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस उनकी मदद करे, दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस उनकी मदद करे। तो यहां तो विपक्षी एकता का मतलब है कि कांग्रेस जो है वो सिकुड़ती जाए, कांग्रेस कहीं चुनाव न लड़े और केवल क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल सर, मान लीजिए कि आज जो सहमति बनी कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मिलकर चुनाव लड़ते हैं 2024 में, तो आप परिणाम क्या देख रहे हैं? क्या बीजेपी इसके पहले भी तो यूपी के अंदर मिलकर चुनाव लड़े थे ना, तो क्या परिणाम निकला? एक बात और, आरएलडी जो है वो इस बैठक में शामिल ही नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है आरएलडी और छह दल हैं जो कि शामिल ही नहीं हुए, यानी छह दल हैं, चाहे वो बीजू जनता दल हो, केसीआर हो, ऐसे छह दल हैं जो विपक्ष में जो इसमें शामिल नहीं हुए। और इस बैठक में 10 दल ऐसे हैं जो वंशवादी पार्टियां हैं और 12 दल ऐसे शामिल हुए जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, 3 दल ऐसे हैं जिनके 0 एमपी हैं लोकसभा में, लंबी लंबी बात कर रहे हैं, 3 दल है जिनके 0 एमपी है लोकसभा में, 2 दल है जिनका केवल 1-1 एमपी है लोकसभा में, 2 दल है जिसके 3 और 1 के केवल 2 है, तो कुल मिलाकर 11 दल ऐसे हैं इस बैठक में, 4 दलों को छोड़ दे 15 दल शामिल है, तो 11 दल ऐसे हैं जिनकी कुल सदस्यों की संख्या 24 है और लंबी लंबी बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देख लेंगे, पछाड़ देंगे, पटक देंगे, तो बोलने में क्या लगता है? अरे इस बैठक से लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री का कौन दावेदारों का नाम तय करेंगे, नीतीश जी को तो बड़ी उम्मीद थी कि उनका नाम कन्वेनर के रूप में घोषित किया जाएगा, लेकिन कहां उनका नाम कन्वेनर के रूप में घोषित किया गया। इसलिए चाहे वो मैनिफेस्टो की बात हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो, 1:1 सीट शेयरिंग की बात हो, केवल अच्छी अच्छी गुडी गुडी बातें, गोल मटोल बातें, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर हरा देंगे नरेंद्र मोदी को, अगली बैठक का डेट तय हो गया, फिर अगली बैठक फिर एक और डेट तय हो जाएगा, इस तरह की विपक्षी एकता की बैठकों से बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज देश और दुनिया नरेंद्र मोदी को अमेरिकी संसद में बोलते हुए देख रही है और यहां पर जो फ्यूज लोग हैं, जो बुझे हुए लोग हैं, उनको बोलते हुए पटना के अंदर देख रहे हैं।